Namaste and welcome back to my channel. Today is the second day of our Uttarakhand trip aur aaj hum ja rahe hain Haridwar. Before checking out from this beautiful property, as I mentioned in my last video too, we had our breakfast and it was very delicious. As you can see, my family is enjoying too. We had some aloo paratha, poha, bread omelette, dosa, some boiled eggs, and ended it with some sweets, which were donuts, cupcakes, croissant, and many more. We did some mini birthday celebrations too. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Jiju, happy birthday to you. And now is the time to say a goodbye to this beautiful place, heading towards the Haridwar. हरिद्वार हिंदुओं के सात पवित्र स्थानों में से एक है। उत्तराखंड में स्थित हरिद्वार एक धार्मिक स्थान है जिसका अर्थ है हरि का द्वार। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु के पैर का निशान उस पत्थर पर है जो हर की पौड़ी की ऊपरी दीवार पर स्थापित है, जहां पवित्र गंगा हर समय इसे छूती है। हिंदू धार्मिक कथाओं के अनुसार हरिद्वार वह स्थान है जहां अमृत की कुछ बूंदें भूल से घड़े से गिर गई जब धन्वंतरि उसे घोड़े को समुद्र मंथन के बाद ले जा रहे थे। और यह भी माना जाता है कि यहां स्नान करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। मन पावन हो गंगा में डूब नहाए, नहरों में घूम बहाए। ऐसा कहा जाता है कि अमृत की बूंदें चार स्थानों पर गिरी थी। अवस्थान थे उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयाग। इन चार स्थानों पर बारी बारी से हर 12 वर्ष का महाकुंभ का आयोजन होता है। एक स्थान के महाकुंभ के 3 वर्ष के बाद दूसरे स्थान पर महाकुंभ का आयोजन होता है। इस प्रकार
12 वर्ष में एक चक्र पूरा होकर फिर पहले स्थान पर महाकुंभ का समय आ जाता है। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, पावन जो लहरों में तूने बहाए। हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। यहाँ पर बहुत दूर दूर से श्रद्धालु गंगा स्नान करने आते हैं। यहाँ पर हर थोड़ी दूर पर कुछ प्लास्टिक की बॉटल्स मिलती हैं, जिनमें आप गंगा जल को लेकर अपने घर जा सकते हैं। हरिद्वार में मैं सबसे पहले तब आई थी जब मैं सिर्फ 6 महीनों की थी और आज 23 सालों बाद मैं यहाँ वापस आई। यहाँ पर मेरे जीजू, मम्मी और पापा पूरी कोशिश कर रहे हैं मुझे ये बताने की कि पानी के अंदर एक बार में डुबकी लगानी है, जो कि मुझसे हो नहीं रहा था। यहाँ से गंगा स्नान और पूजा करके हम वापस निकल गए दिल्ली की ओर और रास्ते में मुझे एक छोटी सी बच्ची ये कला करती हुई दिखी, जो कि बहुत ही प्यारा था। धार्मिक स्थानों पर आकर दिल को बहुत शांति मिलती है। हम यहाँ वापस ज़रूर आएंगे। So, until next time, here are some pictures that you can see from our Dehradun trip that we clicked.